हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अक्षय एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय में क्लास सिक्स, क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवंथ में एडमिशन होता है। क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ में दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन होता है और क्लास इलेवंथ में मेरिट बेस पे दोस्तों एडमिशन होता है। और वो मेरिट कैसे बनती है, जितनी भी दोस्तों जेएनवी में वैकेंट सीट्स होती हैं उन वैकेंट सीट पर जितने भी बच्चे दोस्तों अप्लाई करते हैं उन बच्चों की टेंथ की दोस्तों परसेंटेज देखी जाती है। जिस बच्चे की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है उसका लिस्ट में नाम आ जाता है और उसको सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अब की बार ये प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई है। अब की बार दोस्तों क्लास इलेवंथ में एडमिशन मेरिट बेस पे नहीं होगा। अब की बार इसमें कुछ चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है, क्या प्रोसेस अब की बार रहने वाली है, इसी के बारे में दोस्तों हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती है और साथ ही दोस्तों नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी हमारे चैनल पर करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आया ऑफिशियल नोटिस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें बताया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति ने अब की बार डिसीजन लिया है कि 2023-24 सेशन से जो क्लास इलेवंथ के लिए लेटरल एंट्री में वैकेंट सीट्स होती है उन पे एडमिशन सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से करवाया जाएगा। कुछ बच्चे दोस्तों जो कि पढ़ने में होशियार होते हैं और उनकी टेंथ में परसेंटेज कम आती है तो वो एडमिशन लेने से रह जाते हैं, क्योंकि पहले दोस्तों मेरिट बेस पे एडमिशन होता था। लेकिन अब दोस्तों सभी को मौका मिलेगा, जो बच्चा टैलेंटेड होगा वो एग्ज़ाम क्रैक करके दोस्तों नवोदय में एडमिशन ले सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। आप भी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये नवोदय विद्यालय समिति का कदम कैसा लगा। आगे लिखा है दोस्तों कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन टेस्ट है वो जुलाई 2023 में होगा और डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आपको इश्यू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो बहुत सारे दोस्तों आपके दिमाग में डाउट होंगे, तो चलिए एक एक करके आपके सभी डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो यही दोस्तों कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो ये तो दोस्तों नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा। फाइनल डेट दोस्तों पता नहीं है कि जुलाई में स्टार्टिंग में होगा, बीच में होगा या एंड में होगा। दोस्तों जब फुल नोटिफिकेशन आएगा ये तभी पता चलेगा। दूसरा दोस्तों कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अभी जो ऑनलाइन लिंक होता है पोर्टल है वो चालू नहीं हुआ है। जैसे दोस्तों जो फुल नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब से कब तक आप उसको भर सकते हो। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल भी ऑन हो जाएगा और जब दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें सभी बातें आपको बताई गई होंगी कि कौन कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी दोस्तों अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, जो जो भी उसमें बताया होगा वो आपको सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, तो वहां से आपको दोस्तों क्लियर हो जाएगा। आपको दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो एग्जाम है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ये भी दोस्तों वैसे तो देखो डिटेल्ड नोटिफिकेशन से पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी दोस्तों सिलेक्शन टेस्ट होते हैं नवोदय के वो ऑफलाइन ही होते हैं। ये अदर दोस्तों जैसे सेंट्रल हिंदू स्कूल है या अन्य कोई स्कूल है उनके भी दोस्तों जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो ऑफलाइन ही होते हैं, तो ये वाला एग्जाम भी दोस्तों आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका एक डाउट है कि सर सिलेबस क्या होने वाला है। दोस्तों जो सिलेबस है, जैसे आपको पता है टेंथ के बाद मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट चार स्ट्रीम्स होती हैं, तो मेरे हिसाब से इन चारों के हिसाब से अलग अलग सिलेबस आपका होने वाला है। अगर आप दोस्तों मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको दोस्तों साइंस और मैथ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स या फिर मतलब आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको दोस्तों SST सामाजिक विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और हिंदी इंग्लिश तो दोस्तों सभी के लिए कॉमन है, तो ऐसा कुछ सिलेबस आपके लिए होने वाला है। और सिलेबस भी दोस्तों कौन सी क्लास का, नाइन्थ और टेंथ की आपको साइंस पढ़नी है, ठीक है, नाइन्थ टेंथ का मैथ, नाइन्थ टेंथ की दोस्तों सामाजिक दोस्तों आप थोड़ा इलेवंथ की भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेन आपको नाइन्थ टेंथ का जो सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। और फाइनल दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा मेन तो उसमें पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर और भी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, या फिर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें पूछ सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वाला नोटिस भी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की तैयारी भी करवाई जाती है। अगर आप दोस्तों क्लास इलेवंथ की तैयारी करना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जल्द ही दोस्तों मैं क्लासेस भी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको जल्द ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।